तो गैज मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं WWE फैंस रिडक। तो गैज इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं WWE एक्सट्रीम रूल्स 2020 में होने वाले कुछ मेजर मैचेस के प्रेडिक्शंस के बारे में, यानी कि गैज इन मैचेस के रिगार्डिंग मेरे ओपिनियंस क्या हैं। और मैं यहाँ पे आपको पहले ही बता दूँ कि सारे मैचेस की प्रेडिक्शंस मैं यहाँ पे नहीं करने वाला, कुछ मेजर मैचेस की प्रेडिक्शन करूंगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एक्सट्रीम रूल्स के लिए। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, शुरू करने से पहले लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मोस्ट इंपॉर्टेंटली चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस जो सबसे पहला मैच है वो एक I4NI मैच, और ये मैच होगा सेथ रॉलिंस और फिर रे मिस्टेरियो के बीच में। एंड यहाँ पे गाइस प्रेडिक्शंस की बात हम करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको नहीं पता कि ये मैच किस तरह से WWE एग्जीक्यूट करेगी, किस तरह से कोई एक बंदा एक बंदे की आंख निकालने वाला है या फिर आंख फोड़ने वाला है, जो भी कुछ होने वाला है, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है इस वाले मैच के रिगार्डिंग, तो मैंने एक वीडियो बना के रखी है इस मैच के ऊपर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड मैंने पूरे डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके का मैच होगा, क्या रूल्स हैं, आखिरकार असलियत में आंख निकाली जाएगी तो कैसे निकाली जाएगी, एंड अगर WWE आंख निकालते हुए दिखाने वाली है हमें तो आखिर आंख किस तरह से WWE निकालते हुए दिखाएगी, तो सारा कुछ मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो उस वीडियो को आप चेकआउट जरूर करना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रेडिक्शंस की ओर बात करेगा तो मैं यहाँ पे पर्सनल ओपिनियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी अपडेट के रिगार्डिंग मैं नहीं बोल रहा, मैं बस अपने पर्सनल प्रेडिक्शंस कर रहा हूँ और ये मेरे पर्सनल ओपिनियन के रिगार्डिंग प्रेडिक्शंस हैं। तो मैं चाहूँगा कि सेथ रॉलिंस इस मैच को जीतें, क्योंकि जिस तरीके से WWE सेथ रॉलिंस को बिल्डअप दे रही है, एंड यहाँ पे मैं यही चाहूँगा कि सेथ रॉलिंस इस मैच को जीतें ताकि उनका जो मोमेंटम है वो बरकरार रहे आगे भी, एंड मंडे नाइट मसाया ही बने रहें। इसके बाद जो गाइस नेक्स्ट मैच है वो एक चैंपियनशिप मैच तो नहीं है, बट गाइस ये मैच भी काफ़ी कमाल का मैच हो सकता है। ये मैच है एक वाइट स्वैम्प मैच, यहाँ पे गाइस ब्रॉन स्ट्रोमन फेस करेंगे ब्रे वाइट को, और गाइस ये एक नॉन टाइटल मैच है तो यहाँ पे यूनिवर्सल चैंपियनशिप डिफेंड नहीं होने वाली है। ये मैच गाइस काफ़ी ब्रूटल होने वाला है। प्रेडिक्शंस की बात करें तो यहाँ पे ब्रे वाइट मुझे लगता है कि क्लियरली इस मैच को जीत जाएंगे। इसके बाद जो गाइस नेक्स्ट मैच है वो है WWE चैंपियनशिप का मैच, और यहाँ पे गाइस हमें देखने को मिलेंगे ड्रू मैकइंटायर भिड़ते हुए डॉल्फ ज़िगलर से, जहाँ पे डॉल्फ ज़िगलर चैलेंज कर रहे हैं मैकइंटायर को WWE चैंपियनशिप के लिए। एंड गाइस यहाँ पे डॉल्फ ज़िगलर इलेक्ट करने वाले हैं एक स्टिपुलेशन को इस मैच के लिए। प्रेडिक्शंस की बात करें गाइस तो अगर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता तो ड्रू मैकइंटायर तो क्लियरली इस मैच को जीतेंगे, अगर इंटरफेरेंस होता भी है तो वो ब्रॉक लेसनर का होगा, एंड ब्रॉक लेसनर आके इस मैच को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं या फिर इस मैच के एंड होने के बाद लेसनर आके अटैक कर सकते हैं मैकइंटायर पे। तो मैं यहाँ पे क्लियरली बता दूं इस मैच को जीतेंगे तो ड्रू मैकइंटायर ही, बट पॉसिबिलिटी ये है कि ब्रॉक लेसनर रिटर्न करेंगे एंड मैच के बाद अटैक करेंगे ड्रू मैकइंटायर पे ताकि इनकी स्टोरी लाइन आगे कंटिन्यू कर सके WWE समर स्लैम 2020 के लिए। तो द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हो सकता है एक्सट्रीम रूल्स 2020 में। ओवरऑल मेरा कुछ यही कहना है। इस वाले वीडियो के लिए बस इतना ही था, जाते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मोस्ट इंपॉर्टेंटली चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलता है नेक्स्ट और फिर काफी इंटरेस्टिंग वीडियो में।